बालिका सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार इन दिनों विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के चलते आज शाहजहांपुर में बालिका सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के लिए 100 दिनों का एक खास कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों और स्कूली छात्राओं ने शिरकत की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बालिका सुरक्षा के प्रति उन्हें टिप्स दिए। दरअसल बीते वक्त में महिला और बालिका उत्पीड़न के मामलों में हुए इजाफे के बाद सरकार बालिका सुरक्षा को लेकर इन दिनों बेहद गंभीर है। शाहजहांपुर में बालिका सुरक्षा और बालिकाओं को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए 100 दिनों के लिए खास कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें पूरे जनपद की बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी और सुरक्षा सहायता से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। जिला अधिकारी का कहना है कि बालिका सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। जिला प्रशासन ने आम जनमानस से भी बालिका सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है। वहीं पुलिस का कहना है कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, जो हर समय बालिकाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। साथ ही 1090, 1181, 1098 और डायल 100 पर आपातकालीन सूचना के लिए उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही जिले भर के अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, महिला सुरक्षा माह हम मना रहे हैं और इसमें हमने 100 दिन का एक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई गतिविधि होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी हमने इसके साथ जोड़ा है, और इसके अलावा जो महिला वेलफेयर्स की बहुत सारी स्कीम्स भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई हैं, उनको भी इस पूरे माह में 100 दिन के पूरे समय में हम गांव तक और लोगों तक पहुंचाएंगे, परिवारों तक पहुंचाएंगे, ताकि परिवारों में इस बात को लेकर जागरूकता हो सके कि सरकार, चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, स्पेशली बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और इसी अभियान के दौरान हम 181 के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसके बारे में भी बताएंगे। विगत माह से, पूरे माह के दौरान हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा विशेष रूप से ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाकर जहां पर बच्चियों की पढ़ाई होती है, उनको व्यक्तिगत रूप से भी इस दिशा में प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई है कि अगर उनके साथ कार्यस्थल पर किसी प्रकार की छेड़खानी होती है या वो कोई असुरक्षा महसूस करती हैं या किसी प्रकार का कोई मनचला लड़का उनके साथ कोई हरकत करता है, तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं, उसको 181 में वो शेयर कर सकती हैं, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा, आपकी सूचना पूर्णतः गोपनीय रहेगी और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। तो इस प्रकार से इसको अब हम लोग और बड़े पैमाने पर गाँव तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें विभिन्न विभागों को समन्वय कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, विकास विभाग है, राजस्व प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, स्वयंसेवी संगठन हैं, कोटेदार हैं, एनजीओज हैं। तो इस पूरे सामूहिक प्रयास के माध्यम से न केवल महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, गर्भस्थ शिशु की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लोगों को मिल पाएगी, वरन एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जो भय है लोगों के मन में, विशेष रूप से बच्चियों के मन में, वो निकल पाएगा। तो इसी कोशिश के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें बहुत स्कूलों के बच्चे और टीचर्स भी आए हुए हैं और उनको भी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है और समाज के हर वर्ग से मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में वो आगे आएँ और इस कार्यक्रम को जन जन का कार्यक्रम बना लें। एक और चिंता की बात यह है कि जो शाहजहांपुर जनपद है, उसका सेक्स रेशियो जो भारत सरकार का के द्वारा जारी आंकड़े हैं और जो हमारी हमारा नेशनल रेशियो है सेक्स रेशियो, उसकी तुलना में कम है। अभी भी 1000 पुरुषों की तुलना में हमारे ज़िले का जो सेक्स अनुपात है 914 महिलाओं का है, जो एक चिंता का। और किस तरह से बड़े प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा? शासन द्वारा माह जुलाई को महिला सुरक्षा के प्रति समर्पित किया गया है। इस ओर पूरा ज़िले में पुलिस प्रशासन द्वारा और जो महिला विकास और कल्याण विभाग और हमारे जो प्रोबेशन अधिकारी है और 181 का टीम है, ये सबको एक संगठित जो टीम के तौर पर काम किया जा रहा है। सभी स्कूलों में जाकर जो बच्चों को अवेयरनेस दिया जा रहा है, जो हमारे जो टोल फ्री नंबर्स है, डायल 100 है, 1090 है, 181 है, इसके प्रति अवेयरनेस दिया जा रहा है।
और जो बच्चों और बच्चियां हैं, खास करके जो गर्ल स्टूडेंट है, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस जो जगाने के लिए हम लोगों ने काम कर रहे हैं, और जो जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है, और उनको जहाँ जहाँ मतलब संभव है वहाँ ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो पूरा माह में हर जगह हर गांव में एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। तो एंटी रोमियो जो स्क्वाड है हमारा, जो जिले में है और हर थाने में है, तो ये जगह जगह जो स्कूलों के आसपास चौराहों के आसपास जो खड़े रहते हैं, कुछ टीम हमारा सादे कपड़े में भी रहते हैं, तो इस तरह का तत्व अगर कोई प्रकाश में आए तो इनको सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।